हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बुधवार को हरियाणा निवास में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को हरियाणा में दूरदर्शन एक आकाशवाणी रेडियो पर रिकॉर्डिंग और प्रसारण के लिए टाइम स्लॉट निर्धारित कर जल्द सूचित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण 10-10 मिनट के स्लॉट में होगा ताकि सभी राजनीतिक दलों को समान समय में उपलब्ध हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रवक्ता को अधिकतम 20 मिनट से अधिक का समय नहीं प्रदान किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि दूरदर्शन हिसार पर प्रसारण की तारीख 1 से 3 मई और आकाशवाणी रेडियो पर 6 से 8 मई निर्धारित की गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फतेहाबाद की, जहां पर लोकसभा चुनावों में चुनावी संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए सी विजिल ऐप पर शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद से अब तक नोडल अधिकारी को इस ऐप की मदद से 17 शिकायतें मिली। नोडल अधिकारी अनुभव मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 शिकायतों में से 14 शिकायत टेस्ट के मकसद से की गई थी और बाकी 3 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से निर्देश है कि सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों का निपटान 100 मिनट में किया जाए। उनका प्रयास भी यही है कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही उस पर कार्रवाई की जाए। जो एप्लीकेशन है उस पर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से संबंधित 17 एप्लीकेशन, जो 17 कंप्लेंट हमारी पोर्टल पे आ गई, इसमें सभी का ही निपटारा कर दिया, जिसमें 3 सही पाई गई थी। जो पोस्टर बैनर लगाने से संबंधित थी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वो हटवा के रिपोर्ट भेज दी।